इंदौर में लोगों के नाम लोन लेकर अपने परिवार के खातों में रुपए ट्रांसफर कराने वाले चावला बंधुओं में से गुरदीप सिंह चावला की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अभी पुलिस के शिकंजे में रणवीर उर्फ रिक्की चावला और आंध्रा बैंक का तत्कालीन मैनेजर राजकुमार मीणा नहीं आ सका है। इधर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 1,000 का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं उनकी तस्वीरें दीवारों और अखबारों पर चस्पा की जा रही है ताकि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गौरतलब है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद कागजों में फरार माफियाओं पर इंदौर पुलिस ने एक बार फिर सख्ती बरतना शुरू कर दी है। दरअसल फिल्म व टीवी लेखक मिलिंद शेंदे व चाय की टपरी लगाने वाले व अन्य लोगों द्वारा की गई शिकायत के बाद अक्टूबर 2019 में जालसाजों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गुरदीप सिंह चावला निवासी गुरु नानक कॉलोनी और बिल्डर आनंद यादव निवासी प्रगति नगर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब दो आरोपी रणवीर चावला और आंध्रा बैंक के तत्कालीन मैनेजर राजकुमार मीणा की तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। फिल्मों व टीवी सीरियलों की कहानी लिखने वाले मिलिंद शेंदे अधिकतर मुंबई में ही रहते हैं। इंदौर में मिलिंद की गुरदीप से पहचान थी और 2017 में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गारंटी की आवश्यकता थी, तब गुरदीप ने उन्हें कलेक्टर ऑफिस ले गया और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। 2018 में मिलिंद शेंदे को आंध्रा बैंक से किश्त नहीं बनने पर नोटिस मिला, तब मिलिंद को पता चला कि उसके नाम पर दिव्य रॉक कॉलोनी में प्लॉट व मकान बनाने के लिए 45 लाख रुपये का और कार खरीदने के लिए 7 लाख रुपए का लोन है, जिसके बाद हुई शिकायत के बाद कुल 52 लाख रुपए के लोन में से मकान का सर्वे आंध्रा बैंक के तत्कालीन मैनेजर राजकुमार मीणा ने किया था और कोरे चेक पर फर्जी साइन के माध्यम से लोन का पैसा गुरदीप आनंद यादव व अन्य के खाते में ट्रांसफर किए गए। लाखों की धोखाधड़ी और फर्जी कागजात तैयार कर लोगों को अपना शिकार बनाने वाले गुरदीप चावला और रणवीर चावला का काला कारोबार आंध्रा बैंक मैनेजरों के साथ मिलकर करोड़ों का हो चला था, जिसके बाद CBI और ED जैसी संस्थाएं भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं कई पीड़ितों ने जालसाज चावला बंधुओं को खिलाफ अलग अलग शिकायत भी की है। लोन माफियाओं के शहर की विभिन्न बैंकों में करीब 100 खाते हैं जो कि परिवार के 9 सदस्यों के नाम पर खोले गए हैं। इन खातों के माध्यम से 12 से अधिक फर्जी कंपनियों में करोड़ों का लेन देन भी किया गया है। फिलहाल पुलिस बचे हुए दो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जिससे गिरफ्त में आने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि बुधवार को इंदौर दौरे पर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी फरार माफियाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और पुलिस को फरार माफियाओं पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे। वो कार्यक्रम भी था जो भू माफिया हैं, अभी रमेश भाई ने मुझे मिलवाया है। अभी मैं उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे रहा हूं कि जो कागजों में फरार हैं और इंदौर में आते हैं, चले जाते हैं या रहते हैं, इन पर भी आज से सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।